आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन करने की बहुत ही आसान टेक्निक बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप मैनिफेस्टेशन करके जो भी पाना चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है कि जो भी आप इस ब्रह्मांड से मांगते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, एक बार के लिए ये सोचो कि आपने उस डिज़ायर को फुलफिल कर लिया है, आपको वो चीज़ मिल चुकी है जो आप पाना चाहते हो। और तब आप कैसा फील करोगे? जब आप उस चीज़ को हासिल करने की फीलिंग को अपने अंदर महसूस करते हैं, तब आप इस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अब्राहम हिक्स कहती हैं कि अलाइनमेंट की स्थिति में आने के बाद आप उस चीज़ को बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। मान लीजिए आप अपनी ड्रीम कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब आप उस कार की तारीफ करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसके बारे में अच्छा कहते हैं, तब आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि आपको वो कार चाहिए, यानी आप उस कार की वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हैं। तब आप उस कार को आसानी से मैनिफेस्ट करके अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। आपको उस चीज़ के वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, यू एक्सपीरियंस कॉन्ट्रास्ट। कई कोशिश करने के बाद भी जब आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, तब आपके दिमाग में उसके प्रति नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अब्राहम हिक्स कहती हैं कि नेगेटिव थॉट्स आना एक नॉर्मल सी बात है, और ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको उन नेगेटिव थॉट्स को आने से रोकना नहीं है, क्योंकि जब आपके दिमाग में किसी डिज़ायर को लेकर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तब उस चीज़ को हासिल करने का आपका डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। आपको लगने लगेगा कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम फेस क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं किसी भी हाल में उस चीज़ को हासिल करके रहूँगा। स्टेप 2, सोर्स आंसर्स योर रिक्वेस्ट एंड क्रिएट्स योर डिज़ायर। जब आप किसी भी चीज़ को दिल से मांगते हो, तब यूनिवर्स में अपने आप ऐसी अपॉर्चुनिटी बनने लग जाती है जो आपके डिज़ायर को पूरा कर देती है। लेकिन आपकी वो डिज़ायर तभी पूरी होती है जब आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो। अपनी विश को फुलफिल करने के लिए आपको हर दिन उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना होगा। स्टेप 3, अलाइन विद द वाइब्रेशन ऑफ योर डिज़ायर। यह स्टेप अलाइनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग स्टेप है, जिसे हर कोई नहीं कर पाता। आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ एक निश्चित फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट हो रही है, और आपको अपनी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ मिलाना होगा जो आप इस यूनिवर्स से मांग रहे हैं। फ्रिक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स को हटाना होगा। आपको क्या नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा कि आपको क्या चाहिए। आपको ये सोचना होगा कि आपको वो चीज़ मिलने ही वाली है, और आपको अपनी डिज़ायर पर पूरा विश्वास करना होगा, तभी आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आपको रिजल्ट से ज़्यादा अपने काम के प्रोसेस पर फोकस करना है। आपको इस पर फोकस करना होगा कि कैसे आप उस चीज़ को जल्दी हासिल कर सकें, और तब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। स्टेप 4, मेंटेन योर अलाइनमेंट कंसिस्टेंटली। अगर आप पहले 3 स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, तब आपने उस चीज़ को हासिल करने का 90% काम कर लिया है। अब आपको उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना है, हमेशा खुश रहना है, और कंसिस्टेंटली अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहने की कोशिश करना है। आपको हमेशा रिलैक्स रहना है और केवल अपने काम पर फोकस करना है। आपके मन में चिंता या शंका का कोई भाव नहीं होना चाहिए। स्टेप 5, अप्रिशिएट योर कॉन्ट्रास्ट। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हर इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इमोशंस होते हैं। और जब भी आपके दिमाग में अपने डिज़ायर को लेकर कोई नेगेटिव फीलिंग आए, तब आपको ये सोचना है कि आपके ज़िंदगी में नेगेटिव सिचुएशन इसीलिए आई है ताकि आप और अच्छे से काम करके अपने डिज़ायर को फुलफिल कर सकें। आपको उस नेगेटिव सिचुएशन के आने से मोटिवेट होना है, और आपको हर सिचुएशन का केवल पॉजिटिव साइड देखना है। आपको अपने दिमाग में उस डिज़ायर को लेकर एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। आपको इस यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि एक दिन आप उस चीज़ को हासिल करके रहेंगे, चाहे कितने भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। आपको ये सोचना होगा कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, वो आपके भले के लिए हो रहा है। अगर आप अपनी डिज़ायर को लेकर एकदम सीरियस हैं, और हर दिन उस डिज़ायर को इस यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं, उस डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं, तो आपको हर हाल में वो चीज़ हासिल होकर रहेगी।